मेरा नाम है विकेश कुमार सिंह। तो आपके पड़ोसी हैं ये लोग? हाँ, पड़ोसी है और गांव से भाई बंधु भी हैं। तो किसका किसको आरोपी मानते हो आप इस पूरे मामले का? सर जी, हम जो है 6:30 बजे से बच्चे को ढूंढ रहे थे, स्कूल से नहीं आया। 6:30 बजे ढूंढ रहे? हाँ, शाम को 6:30 बजे से। तो किस टाइम बॉडी मिली इनकी? बॉडी हमें दिखाया नहीं गया है। हम 9:15 बजे पहुंच गए पुलिस थाने में। पुलिस थाने पहुंचे, फायर दर्ज हुआ, उसके बाद इन्होंने मेडिकल के लिए भेज दिए। इनका ये फर्ज बनता था कि हमारे बच्चा जैसा भी हो हमें पहले दिखाना चाहिए, पहले इन्फॉर्म करना चाहिए किसी को भी। लेकिन आपको इन्फॉर्म नहीं किया? इन्फॉर्म नहीं हुआ था, पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद जाके पता चलता है। बॉडी आ गई है? बॉडी अब नहीं, अभी भी नहीं आई है बॉडी। आप बताओ, प्रिंसिपल की है? प्रिंसिपल की मैन गलती है। अगर मैं हूँ, मैं डरा हुआ हूँ ना कहीं, जिम्मेदार यहाँ प्रिंसिपल को मानते हैं। प्रिंसिपल और प्रशासन है सर इसमें, पुलिस प्रशासन को खबर देनी चाहिए। माँ बाप को खबर नहीं दिया, फिर पुलिस वाले की गलती है। पुलिस वाले क्यों लेके पोस्टमार्टम को? उनका एड्रेस बताते, उनके घर पे आते, उनके घर पे आके बताने चाहिए। थाने के अंदर हम पहुंचे हुए थे, फायर लिखवा है, तो हमारे को जो है इन्फॉर्म देना चाहिए था कि ये आपका बच्चा जो है डेट कर गया है, ऐसे दुर्घटना हो चुकी है उसके साथ। तो बॉडी तो दिखाते, बॉडी भी नहीं दिखाया गया। 12:30 बजे बोला गया हमें कि तुम्हारा बच्चा जो है डेट कर गया है, उसके बाद जो है आप लोग चलिए मोरबंद चौकी के पास। आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये बिलासपुर कैंप का मामला है, उसको लेकर के ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पे। पूरा रोड जाम कर रखा है इन लोगों ने। यहाँ प्रशासन अभी सब मुझसे अपना काम कर रहे हैं, सामने खड़े हैं, इधर भी लोग खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, पूरा रोड जाम कर रखा है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? सर जी, हम प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम दुख के घड़ी में हम खड़े हैं, और हमारे जितने भी गरीब भाई हैं जहाँ भी हैं सब ये जो है अपना गरीबी भाई को साथ दे और सबको सहयोग करे, और जो है मजे लेने के लिए ना आए, मजे लेने के लिए ना आए, अपने तकलीफ के लिए आए। और स्कूल के अंदर प्रशासन अभी से जारी कर दिया जाए कि प्रशासन होना चाहिए, पढ़ाई होगा तो बच्चे स्वच्छ रहेगा। प्रिंसिपल की आपकी जिम्मेदारी मानते हैं कि सारा मामला उनके मानते हैं? जी बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी है। जब उनकी मम्मी ने पहले जाके बोला कि भैया मेरे क्लास का बच्चा परेशान है मेरा, तो उसका सेक्शन चेंज करो, तो उनका सेक्शन चेंज क्यों नहीं करा? प्रिंसिपल ने छूटते ऐसे बोला कि 1 महीने बाद मिलना, मतलब ये क्या होता है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने इससे पहले शिकायत करी कहीं पर? बिल्कुल शिकायत करी, सबने शिकायत करी है इसको। लिखित में कहाँ होता है सर आजकल? कुछ लिखित में होता है? लिखित में शिकायत दी हो आपने प्रिंसिपल को? सर लिखित में होता कहाँ है, आप बताओ तो मुझे। परेशान हो, लिखित में होता क्या है? कुछ नहीं होता सर, हमारे जैसे लोगों का लिखित में नहीं होता है। लिखित का मतलब क्या सर? हम स्कूल में पढ़ते हैं सर, हम स्कूल में पढ़ते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये इनका कहना ये है कि पुलिस वाले भाग रहे हैं यहाँ से, हमारा साथ छोड़ के। हमारा प्रशासन साथ नहीं दे रही, हमारा साथ प्रशासन नहीं दे रही। और पुलिस वाले देख लो आप कैसे जा रहे हैं, आपको वीडियो बनाओ उधर की, हमारे साथ देख के छोड़ के भाग रहे हैं। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं मोड़वन विस्तार का ही निवासी हूँ। जैसे कि आपको बताया मामला हुआ है, ये इसका आरोप किसको मानते हो? ये आरोप तो पहले जिम्मेदारी होती है पुलिस की, प्रशासन की, स्कूल की जिम्मेदारी। ये बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार विद्यालय में बच्चा गया उसके बाद जिम्मेदारी किसकी बनती है? विद्यालय के गार्ड की, मास्टर की। ये बताओ कि बच्चा 1 बजे से स्कूल होता है और 3 बजे तक बच्चा नहीं मिलता है, रोड जाम कर रखा है यहाँ, इसका क्या उद्देश्य है? ये बताओ सुनवाई कहाँ करेंगे, हमारे गरीब आदमी की सुनवाई कहाँ? रोडों पर नहीं आएंगे तो परेशान हो रहे हैं, आप देख रहे हैं रोड बंद हो रहे हैं दोनों साइड के, तो ये क्या समाधान है? जब तक लाखों लोगों को ये संदेश नहीं जाएगा क्राइम किस तरह बढ़ रहा है, जब तक कैसे जनता जागरूक होगी? ये गरीब आदमी है जी हमारे। आप जो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये बताओ जुल्म तो हुआ है, ये जिम्मेदारी क्यों है? इंक्वायरी आई है, आपका? मेरा नरेश जाटव, मैं बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष भीम आर्मी से। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो स्कूल की है, स्कूल प्रशासन जो है सबसे बड़ी लापरवाही स्कूल की मानता हूँ मैं। प्रशासन तो बाद में, क्योंकि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचरों की और प्रिंसिपल वगैरह की होती है इनकी।
अगर हमारे बच्चे स्कूल में ही सुरक्षित नहीं है तो ये बताइए हमारे बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं, किस जगह पढ़ाएं हम अपने बच्चों को? इतने पैसे वाले तो है नहीं कि हम प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेंगे। किसी भी नेता के बच्चे या किसी विधायक के बच्चे बता दिए आप कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आपने देखी होगी नहीं स्कूलों की हालत कैसी हो रही है। एक बार जाके कोई इनका सर्वे करने वाला आता नहीं है। पहली बात तो सबसे बड़ी लापरवाही चल रही है, नशा इतना चल रहा है स्कूलों के अंदर सरेआम। उससे पहले भी दो तीन मानते नशा चल रहा है जी स्कूलों के अंदर जी, बिल्कुल चल रहा है सर। सच बात है, स्कूल की बात नशे को लेकर के बात उठाई है, बात भी करी है लोगों से कि नशा ज्यादा चल रहा है। ये तीन ये एक नंबर गेट है, उधर भी मैंने काफी बच्चे कोई मतलब गांजा भरते हुए, सिगरेट भरते हुए, पेपर भरते हुए, कोई स्मैक ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। मैंने स्कूल की ड्रेस में बच्चों को देखा है, स्कूल की और 10-10 11-12 साल के बच्चों को देखा है। तो आप ये बताइए कि पहली बात तो जब बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है उसकी रजिस्टर में एंट्री नहीं हो रही है, और बच्चे को जब जैसे कि अब ये बच्चा मार दिया गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी, कह दी कि बच्चा आया ही नहीं है, अगर उस बच्चों की हाजिरी नहीं लगाएंगे उसमें अपने रजिस्टर के अंदर, तो सीधी सी बात हम तो सोच रहे हैं कि हमने अपना बच्चा भेज दिया है। आप ये और एक दिन की जी, आप ये बताओ अगर हम रोडों पे ना आए तो कहाँ जाएं? कानून हमारा साथ दे नहीं रहा, पूरी रात बच्चे के परिजन वाले थाने में थे, थाने के बाद क्या हासिल हुआ है सब भाई बता सकते हैं। लोग क्यों है रोडों पे? सिर्फ बच्चे को इंसाफ मिले कि आगे किसी बच्चे के साथ ये घटना ना घटे, किसी गरीब माँ के साथ ये देखने को ना मिले। बताओ छोटा सा बच्चा था 12-13 साल का, उसकी माँ का क्या हाल होगा? ये सब भाई आया रंजित थी किसी से क्या रंजित की बात नहीं है, बात यह अगर विद्यालय में बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल के अंदर बच्चा पहुँचा है, उसके बाद स्कूल वाले कह रहे हैं कि बच्चा लापता है, ये बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानोगे आप? एक बार गया सिक्योरिटी गार्ड होते हैं स्कूल में, क्यों लगा रखे हैं वो सरकार ने? ये टीचर क्यों हैं? 60-70 हज़ार रुपए इनकी सैलरी होती है सिर्फ 8 घंटे की, जिसमें से 2 घंटे भी बच्चों को सही से नहीं पढ़ाते हैं। अब आप सोच सकते हो इतनी बड़ी घटना घटी और फिर भी लोग बागे कह रहे हैं कि हम रोडों पे क्यों है, रोडों पे ना कौन जिम्मेदार है? तो टाइम वक्त बताएगा वो कौन किसका ये काम है, कौन जिम्मेदार है, और आने वाला समय बताएगा। जब तक बने हुए देखते रहे उनका 24/7। धन्यवाद।